और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी संडे की मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मौसा जी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो घूमते घूमते फिर यहाँ पर आ गए हैं काव्यांश को लेकर के, ताकि क्योंकि आज हम जा रहे हैं तो तांशु भी जाएगा, तो फिर काव्यांश को खेलने का मौका नहीं मिलेगा तांशु के साथ, तो इसलिए ले आए हैं काव्यांश। तांशु थोड़ा आपस में खेल लेंगे, लेकिन यहाँ तो मम्मी ने दोनों को ही पढ़ने बिठा दिया। दोनों को हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा रही हैं कि हिंदी कैसी आती है, उन दोनों को पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं। और तांशु और काव्यांश दोनों ने हिंदी अच्छे से पढ़ ली, बस इंग्लिश में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, बट वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी दोनों बच्चे हैं और यहाँ पर मैंने चाय बना दी है, मौसा जी सब मतलब सभी के लिए बना दी है, मौसा जी मम्मी पापा सभी के लिए बना दी है। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। और देखिए मेरे लहसुन प्याज टमाटर कटे रखे हैं सब्जी बनाने के लिए, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बीच बीच में तांशु की खांसी की आवाज़ आ रही है। खांसी हो गई है ना हल्की सी, क्योंकि अब मानते हैं नहीं है फ़ैन चला करके सोते हैं, अभी इतनी भी गर्मी नहीं है और ऊपर से ढंग से ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ते, आधे खुले रहते हैं। मैं बीच बीच में रात में जग करके इनको ब्लैंकेट ओढ़ाती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं, फिर खुल जाते हैं। और यहाँ तांशु काव्यांश जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, और ये देखो एक छोटी सी बच्ची है, उसको रानी बना करके ना ऊपर बिठा दिया गया है, टंकी के ऊपर बिठा दिया गया है, और रानी ऑर्डर दे रही है मुझे, मेरे लिए पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, पैर दबाओ मेरे। तो बच्चों के ऐसे ही खेल होते हैं, जब हम भी छोटे थे तो ऐसे ही खेल खेलते थे, राजा रानी या घर घर वाले खेल खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45, खाना वगैरह खा पी करके हम सब लोग फ्री हैं, और तांशु यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ फोन देके पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा हो गया, लाओ फोन दो दर नानू का। हैं नानू लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर तुम्हें छूट मिल जाती है नानू का फोन लेने की, लाओ दो दर। अरे नहीं नानू से मैंने मांगा था वीडियो में बोलने के लिए। अच्छा मांगा था तूने? हाँ नानू झूठ ना बोला करो, यहाँ पे रखे हुए हैं अपने पास, मैं नहीं दूंगा। चलो पढ़ाई करो, इनकी पढ़ाई हो रही है, देखो ये देखो बुक वो रखी है, कभी इधर मस्ती करते हैं, कभी इधर छलांग मारते हैं, कभी उधर छलांग मारते हैं, कभी फोन ले लेते हैं हाथ में, कभी कभी कुछ, पढ़ाई हो रही है इनकी, पढ़ाई है? है? पढ़ाई हो रही है इनकी, कैसी पढ़ाई हो रही है? सुन लो सुन लो, अभी सुनूंगी, रुक जाओ अभी सुनूंगी। और फ्रेंड्स आज मुझे हाथरस के लिए भी निकलना है, शाम को वही 5:30 बजे तक निकलूंगी हाथरस के लिए। वापस जा रही हूँ मैं आज, क्योंकि तांशु के फिर कल से एग्जाम स्टार्ट है, तो मुझे आज पहुंचना है। कल से ही है बेटा, फर्स्ट पेपर है आपका कल। अभी पिटो हो गए आप, अभी बहुत मस्ती सूझ रही है ना, शाम को वहाँ हाथस पहुंच के पता चलेगा, जब पापा आपसे सब कुछ पूछेंगे ना कि आपने कंप्यूटर में क्या क्या लर्न किया है, तब पता चलेगी आपको बेटा, तब सारी मस्ती निकल जाएगी आपकी। और अभी सुबह का खाना पीना तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे अपने ले जाने के लिए खाना बनाना है, और फिर शाम का भी मम्मी पापा के लिए बना करके जाऊंगी, ताकि मम्मी को जो है बनाना ना पड़े शाम को। अभी तो टाइम है, अभी तो 1:45 ही बज रहे हैं, शाम को 5:30 तक निकलूंगी, तो अभी तो टाइम है, बना लूँगी, 4 बजे के करीब बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और बैग वगैरह भी पैक करना है वो भी कर लूँ। और अभी मैंने मम्मी की आँख में एक ड्रॉप डाली है, तो मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर दी है, उसके बाद 10 मिनट बाद मुझे एक और ड्रॉप डालनी है, तब तक मैं तांशु का बैग वगैरह देख लूँ स्कूल का, उसमें सारी बुक्स नोटबुक्स हैं या नहीं। वैसे तो मैंने सुबह लगा करके रख दिया था, लेकिन इनका क्या है, ट्यूशन्स पढ़ करके आते हैं ना, तो सारी नोटबुक्स बुक्स सब बाहर निकाल देते हैं, कोई नोटबुक कहीं मिलेगी, कोई बुक कहीं मिलेगी, ऐसा रहता है इनका। तो अभी मैं चेक कर लूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब बैग अपना खाली कर देते हैं, तो वही मैं ये सब चेक कर रही हूँ, सारी बुक्स नोटबुक्स हैं या नहीं, पेंसिल बॉक्स कोई
भी इधर उधर है तो मैं रख दूँ। देखो ये है ना, मैंने कहा ना इनकी पड़ी रहती है, मैं कितना भी लगा के रख लूँ फिर थोड़ी देर बाद फिर बाहर आ जाएंगी। तो ये देखो एक दो बुक नोटबुक बाहर रह गई थी तो वो मैंने रख दी है इसमें अंदर। और बस ये तांशु का बैग रेडी है। और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। और आज अंशु का बर्थडे है तो वही मैं उसे बर्थडे विश कर रही हूँ वीडियो कॉल करके। वैसे तो मैंने उसको रात के 12 बजे ही बर्थडे विश कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा से बर्थडे विश किया है मैंने उसे। और फिर मैंने सोचा चलो आप लोग भी एक बार मिलोगे, जो है आप लोग की मुलाकात नहीं हुई, आप लोग भी मुझसे बोल रहे थे कि अंशु को अपने मायके में वो होली सेलिब्रेट करके ही यहाँ पर आएगी। और ये वाली रिकॉर्डिंग में ना मेरी वॉइस तो सेव हो गई लेकिन इसमें अंशु की वॉइस नहीं आ रही। पता नहीं ऐसा आप कैसे मामी की चॉकलेट दूंगा, मेरी वॉइस तो आ रही है लेकिन अंशु की वॉइस बिल्कुल आ ही नहीं रही है। और अंशु तांशु से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी कि आप मुझे बर्थडे तो विश कर रहे हो, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तो तांशु बोल रहे थे कि मैं आपके बर्थडे पे ना ये चॉकलेट लेके आया हूँ आपके लिए, ये लीजिए आप खा लीजिए। तो अंशु बोली ऐसे तो मैं खा नहीं सकती हूँ, तो आप खा लो तांशु, मैं समझूंगी मैंने खा ली। तो बस ऐसे ही थोड़ी देर तक अंशु से बातें चलती रही थी, फिर मम्मी ने भी बात की थी अंशु से। और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं तो मैं जल्दी से सब्जी छोंकती है मैंने, ये गाजर आलू मटर की सूखी सब्जी छोंकती है, क्योंकि रसीली तो मैं लेके जा नहीं पाऊँगी, टिफ़िन वगैरह कुछ है नहीं, मुझे ऐसे ही पॉलिथीन में पैक करके ले जानी पड़ेगी, तो इसीलिए फिर ये सूखी बना दी है मैंने। और ये देखिए आज मैंने अपने हेयर में बनाना क्लिप लगा रखी है। आप लोग कहते हैं ना कि आप जो है हेयर में जो रबड़ लगाते हो ब्लैक और रेड कलर की, उसे मत लगाया करो, अच्छी नहीं लगती है, बनाना क्लिप लगाया करो। तो ये देखिए आज मैंने अपने हेयर में बनाना क्लिप लगाई है। वैसे आप लोगों का भी कहना सही है ऐसे रबड़ लगाने से, क्योंकि मैं तो वैसे भी थोड़ा सा टाइट करके रबड़ लगाती हूँ हेयर में, तो उससे जो है बालों की जो जड़ें हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और टूटते भी हैं, लेकिन ये बनाना क्लिप और क्लचर लगाने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अभी यहाँ पर मैं अपने लिए रोटियाँ सेक ले रही हूँ अपने ले जाने के लिए, साथ में मम्मी पापा के लिए भी सेक के रख दूँगी, ताकि मम्मी को जो है कम से कम आज के दिन तो और रिलैक्स मिल जाए, कल से तो फिर उनको करना ही करना है काम। और वैसे भी खैर अब तो मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हुए 1 महीना होने को आ ही गया है। 30 जनवरी को मम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ था और आज 26 फरवरी हो गई है, तो 28 दिन तो हो ही गए हैं। अब मेरी भी मजबूरी है, अगर तांशु के एग्ज़ाम नहीं होते तो मैं 2-3 दिन और रुक जाती, लेकिन अब तांशु के एग्ज़ाम है कल से तो फिर मुझे आज निकलना ही है। और अभी मैं ये सारे बर्तन भी धुल करके रख दे रही हूँ साथ के साथ। और आज मैं थोड़ा देर से निकल रही हूँ हाथरस के लिए, क्योंकि तांशु के पापा इस वक्त हाथरस में है नहीं। वैसे तो मैं 4:30 बजे निकल जाती थी हाथरस के लिए, लेकिन अभी क्या है तांशु के पापा है नहीं वहाँ पे, उनकी जो है गेम्स में ड्यूटी लगी हुई है, मंडल के गेम्स हो रहे हैं इटा में, तो वो वहीं पर हैं। सैटरडे की मॉर्निंग में ही निकल गए थे और आज वही 6:30-7 बजे तक वो हाथरस लौट पाएंगे, और रूम की चाबी वो साथ में ले करके गए हैं, इसीलिए उन्होंने उसे बोला है कि आराम से निकलना, अभी 6:30-6:30 के करीब निकलना, तो ये है कि तुम 8:30 तक यहाँ पहुँच जाओगी और तब तक मैं भी तुम्हें वहीं हाथस में ही मिलूँगा। और अभी मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया, खाना बना करके गैस साफ करके बर्तन वगैरह धुल के पोंछ के लगा करके सारा काम ख़त्म कर दिया है। और बैग नहीं लगा था मेरा अभी, तो ये बैग लगा ले रही हूँ मैं। वैसे तो तांशु के ज़्यादातर कपड़े मेरे तो बस मैं तो बस 2 ही सूट रख करके लेके आई थी, ज़्यादा लाई नहीं थी, क्योंकि साथ में तांशु का स्कूल का बैग भी था, उसका भी वज़न था। और अभी ये बीच में आए थे तो थोड़ा बहुत सामान मैंने इनसे भिजवा भी दिया था, लेकिन फिर भी ये देखिए पूरा बैग फुल हो गया है। और ये ब्लैंकेट ना अब तक मैं ओढ़ रही थी, लेकिन आज मैं जा रही हूँ तो अब इसकी जरूरत नहीं है। और इसका इस पे ना इस ब्लैंकेट पे ये कवर चढ़ा था और ये कवर आज धुल दिया है, सो अब इसको चढ़ा दे रहे हैं फिर से ब्लैंकेट पे, ताकि गंदा वगैरह ना हो। और अब कवर चढ़ा करके फिर इसको उठा करके रख देंगे, क्योंकि अब जरूरत तो है नहीं, मैं तो जा ही रही हूँ, अब कौन है, मम्मी पापा इसको ओढ़ते नहीं है, मम्मी पापा दूसरे ओढ़ते हैं, हल्के वाले ओढ़ते हैं, थोड़ा हैवी है और कवर चढ़ा के थोड़ा और हैवी हो जाता था ये, उसको कवर चढ़ा करके ही रख देना जिससे कि गंदा ना हो।
सीधा कर दिया हमने, मैंने उल्टे उल्टे करके चलाना था ना, सीधा कर दिया मैंने, पलट जाएंगे उल्टा कर लो। और ये जो रेडीमेड कवर आते हैं ना, ये गरम कवर आते हैं ब्लैंकेट और रजाई पे चढ़ाने के लिए, ये ना साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, स्पेशली सिंगल वाले तो इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये जो डबल वाले कवर आते हैं ना, ये थोड़े से बड़े ही होते हैं, किसी भी ब्लैंकेट और रजाई पे आप चढ़ाओ उनसे बड़े ही निकलते हैं, तो इनको चढ़ाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। और हाँ फ्रेंड्स, 28 फरवरी को मेरे दो सब्सक्राइबर आशा धाकड़ और प्राची सैनी का बर्थडे है, तो आप दोनों को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक मित्र सेन सिंह जी हैं जिनके भैया रिंकू और भाभी रिंकी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपके भैया भाभी को भी मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं।